संचार उपग्रह जी 76 से 48 घंटे बाद ही टूटा संपर्क, इसरो ने बुलाया इमरजेंसी बैठक। श्रीहरिकोटा से गुरुवार को भारत के सबसे बड़े कम्युनिकेशन सैटेलाइट G76A को लॉन्च किया गया था। इसी बीच एक बुरी खबर आई है कि G76A का 48 घंटे में ही शनिवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से अचानक संपर्क टूट गया। इसरो की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, सफलतापूर्वक काफी देर तक फायरिंग के बाद जब सैटेलाइट तीसरे और अंतिम चरण के तहत 1 अप्रैल 2018 को सामान्य ऑपरेटिंग की प्रक्रिया में था, इससे हमारा संपर्क टूट गया। सैटेलाइट G76A से दोबारा लिंक के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। इसे भारत की अब तक की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन सैटेलाइट माना जा रहा था, जिसमें मिलिट्री एप्लीकेशन लगे थे। इस सैटेलाइट में तकनीकी खराबी होने की आशंका जताई जा रही है। इसरो के एक सूत्र ने बताया कि ऑर्बिट से जुड़ी प्रक्रिया शनिवार सुबह 10 बजे तक सही थी, क्विड एपॉजी मोटर लैम्प भी सही से काम कर रहा था, लेकिन इसी के कुछ मिनट बाद ही सैटेलाइट के कम्युनिकेशन में अवरोध देखा गया, जिसके बाद इसरो के शीर्ष वैज्ञानिकों ने इस पर चर्चा की। भूस्थैतिक रॉकेट 08 के जरिए इसका प्रक्षेपण किया गया था। उपग्रह प्रक्षेपण यान ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गुरुवार शाम 4:56 बजे उड़ान भरी थी। इसके लगभग 18 मिनट बाद उपग्रह को कक्षा में प्रविष्ट कराया गया। इस प्रक्षेपण यान में तीसरे चरण का स्वदेश विकसित क्रायोजेनिक इंजन लगा था। यह 08 की 12वीं उड़ान थी और स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज के साथ 6ठी उड़ान थी। तैयार करने में 270 करोड़ रुपये की लागत। G76A एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसको तैयार करने में 270 करोड़ रुपये की लागत आई थी। यह उपग्रह बेहद सुदूर क्षेत्रों में भी मोबाइल संचार में मदद करेगा। इसका मुख्य तौर पर इस्तेमाल भारतीय सेना के लिए किया जाएगा। रॉकेट में भी किए गए थे बदलाव। उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए GSLV रॉकेट में भी बदलाव किए गए थे। इसके दूसरे चरण के लिए हाई थ्रस्ट विकास इंजन लगाया गया है। इसके अलावा रॉकेट में इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक एक्यूटेशन सिस्टम के बजाय इलेक्ट्रोकेमिकल ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया गया। ₹2140 किलोग्राम है रॉकेट का वजन। ₹49.1 मीटर है इसकी लंबाई। ₹6 मीटर व्यास का एंटीना लगा है। ₹10 साल है इस मिशन। Yeah.